तो दोस्तों मेरे राइट पे एक चक्की है घराट जो कि पानी से चलती है। और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मार्वल का वो बनाओ तो आ जाओ भाई। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही मौसम थोड़ा खुलेगा मतलब साफ होगा तो मैं साइकिलिंग करने जाऊंगा। और जी हाँ, मैं साइकिलिंग करने जा रहा हूँ। और अभी मौसम का लुत्फ उठाएंगे, अभी थोड़ा ठंडा भी हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी निकलते हैं साइकिलिंग करने। निकल चुका हूँ, आप देख सकते हैं आगे बारिश हो रही है शायद। और ये कालू भी घूम रहा है यहाँ पे, मिलते हैं। तो दोस्तों मेरे राइट पे एक चक्की है घराट जो कि पानी से चलती है, और ये भी आजकल बहुत कम देखी जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर भी एक पूरा ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को सब दिखाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें अब बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे, बट यहाँ पे बारिश हो चुकी है, बारिश लग चुकी है बहुत तेज़ लगता है मुझे यहीं पर। अभी अपना फ़ोन अंदर डालना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और मतलब बारिश वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इसलिए मैंने अपना फ़ोन भी अंदर रख लिया था। लेकिन आप यहाँ की ग्रीनरी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा हल्की है बारिश ना। और मैं वहाँ एक्सरसाइज करी थोड़ी सी, फिर मैं आ गया। जब वहाँ बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी मैं वहाँ से आ गया। तो मैं आ चुका हूँ घर की तरफ, और ये जो साइकिलिंग का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा ही होता है, आप लोगों को पता है। और आज तो मौसम भी बहुत बहुत सुंदर हो रहा है। हाँ, बारिश हो गई थी वहाँ पे स्टार्ट, तो मैंने अपना फ़ोन और माइक दोनों अंदर रख दिया था, क्योंकि मेरे सारे साधन ख़त्म हो जाते अगर वो भीग जाता ब्लॉग बनाने के। लेकिन जब बारिश रुक गई तो मैंने अपना फ़ोन दोबारा निकाला, और अब मैं थोड़ा कूल डाउन करने के बाद नहा धो के मिलते हैं आपसे दोबारा। इसमें नहा धो के मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, पूजा भी कर ली, और मुझे मेरे अभी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि वो अभी मेरे घर में आएगा, मेरी कुछ किताबें थी उसके पास तो वो वापस करेगा। तब जब वो आएगा तो मिलाते हैं आपको उससे। मेरा एक फ्रेंड है, स्कूलमेट, हम लोगों ने 11-12 साथ करी थी, वो आ चुका है मेरे घर में। भाई और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मार्वल का वो बनाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। तो दोस्तों मैं अपने जो दोस्त आया था उसके लिए मैंगो शेक बना रहा हूँ अभी, और ये मैंने बादाम काटे हुए हैं, और ये हमारा मैंगो शेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको बस सर्व करना है। तो दोस्तों मेरे दोस्त जो घर आया था, तो अभी अभी हम ढोलक लेने जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे सीधा ढोलक लेने के बाद। तो फ्रेंड्स ढोलक आ चुका है, और मैंने आपको ये भी नहीं बताया शायद मैं ढोलक क्यों लेने गया। मैं ढोलक इसलिए लेने गया क्योंकि अक्षित बहुत अच्छा तबला बजाता है,
और मेरे घर वालों की फरमाइश ये है कि वो थोड़ा बजाए और मेरी बहन गाए। हमारे घर में अभी तबला अवेलेबल नहीं है लेकिन ढोलक था, तो अक्षित ने बोला हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बजा सकता हूँ। तो आइए कुछ गाने सुनते हैं अक्षित से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले दोस्तों। मैं फ्रेंड आया था तो उसके लिए सब खाने के लिए बनाया है। हम लोग अभी लंच करते हैं, फिर आपसे एक बार फिर आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे, मिलते हैं फिर। प्रभात सुप्रभात, आप सब तक प्रणाम। अजय बेटा का यूट्यूब चैनल का वास्ता, आज मैं अपनी आवाज दी जो गीत छन नेगी जी का, बहुत प्रसिद्ध गीत छन जो का जो सुनी का हम बड़ा होया, वो एक तो गठबंधना छ नेगी जी का जो जस दे, और दूसरी छ धरती हमारा गढ़वाल की, एक प्रयास छ मेरो कि आप लोग पसंद कर लावे सनी। और मेरी गैल आज अभिनव का दोस्त अक्षित बड़ोनी जी छन ढोलक पर, और उनको ढोलक वादन हम सुनी तो मेरे जो उलार छो मेरा मन में जी गाना को उलार छो, जो मेरी एक रुचि भी छे, तो मैंने सोची आज अपनो लार ते पूरो करी जाओ तो लियावा सुना यू गीत। जो जैसे दे
धरती हमारा गढ़वाल की कतगरों तेल स्वाणी था किए, और हमने थोड़ा अपनी फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा गाना वगैरह गाया, और अब ये जा रहा है वापस। चल ठीक है ब्रो, ओके ब्रो, मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं घर वापस आ चुका हूँ अक्षित को ड्रॉप करके मेन रोड तक। वहाँ से वो अपने घर के लिए चला जाएगा और मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। और आज हमने काफ़ी अच्छा टाइम साथ बिताया और हमने काफ़ी फ़न किया, लंच भी साथ किया उसने मेरी फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड किया, मतलब हमने काफ़ी फ़न किया आज। तो ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि आपके 11th 12th के जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ अभी भी टच में हैं, तो टच वुड ये सब हमेशा बने रहे। तो आज का दिन ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम अपना ब्लॉग को एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो इसको लगातार शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।